चलिए अपने एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं, राजू कुमार से, जिनका ऑल इंडिया 557 रैंक है, जो कि रांची से हैं और इनको एनआईटी जमशेदपुर अलॉट हुआ है। तो सबसे पहले राजू आपको ढेर सारी बधाइयां, आप क्योंकि ऑनलाइन इम्पीटस गुरुकुल के क्लासरूम स्टूडेंट थे, तो इस रैंक के लिए पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो राजू, जैसा कि ये सेशन जो होते हैं, ये काफी सारे बड़े इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, कई लोगों की लाइफ को बदलने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई लोग इसको देख के सुन के अपनी लाइफ का डिसीजन लेते हैं। तो जैसे आपने क्योंकि ड्रॉप लिया था, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने पहले तो निम सेट के लिए क्या कब सोचा था, फिर आपने अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट की थी, फिर आपने जब ड्रॉप लिया तो क्या आपके मन में था, और मतलब आपकी पूरी सक्सेस जर्नी क्या है। यस सर, सबसे पहले मेरा नाम राजू कुमार है और ऑल इंडिया रैंक 557 आया है और ओबीसी कैटेगरी रैंक 210। सबसे पहले ये जो सक्सेस है, ये मेरा फर्स्ट सक्सेस है, जो बोले जाए पूरा कंप्लीट एजुकेशन में ये पहला अचीवमेंट है। इसका सबसे सबसे बड़ा श्रेय शरद सर, प्रतीक सर और पूरे इम्पीटस टीम को जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। और ये जो स्टोरी है हमारा, मैंने सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था, तब पता चला था जब सौरभ शुक्ला सर से कोडिंग से तैयारी करते थे, तब सर के बारे में पता चला था। ठीक है, उसके बाद उसी टाइम सोच लिया था कि ड्रॉप तो लूंगा, अगर इस बार प्रिपरेशन करता हूँ, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ड्रॉप लूंगा। ठीक है, उस बार एग्जाम देने के बाद उस बार ऐसा लगा मुझे कि क्वेश्चन इस बार बहुत इजी आ गया है। ठीक है, तो मुझे लगा कि इस बार क्या करता हूँ, नेक्स्ट ईयर फिर 2021 में कि फिर से मैं खुद से प्रिपरेशन करता हूँ और नेक्स्ट ईयर फिर जाऊंगा, नेक्स्ट ईयर फिर इम्पीटस गुरुकुल जाऊंगा। बट एक फ्रेंड था और एक सीनियर भैया से पता चला कि ज्यादा ड्रॉप लोगे तो प्रॉब्लम करता है प्लेसमेंट टाइम, ऐसा बोल रहे थे भैया। तो मैंने तुरंत शरद सर को कॉल किया, क्योंकि शरद सर के पास तो जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं या अदर स्टूडेंट कॉल करके राय लेते ही हैं। ठीक है, तो मैंने कॉल किया शरद सर को, शरद सर यही बोले कि वो जो सीनियर बोल रहे हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, ये सूरतकल में या त्रिची में या कोई कंपनी में प्लेस्ड है। मैंने बोला सर कुछ नहीं, मतलब वो अभी कुछ नहीं करते हैं। तो सर ने यही बात बोला कि वो कुछ नहीं करते हैं, मैं यहाँ 20 साल 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट को हर साल, एक साल दो साल ड्रॉप लिए हुए, तीन साल कोई कोई ड्रॉप लिए हुए बच्चे प्लेस हो रहे अच्छे कंपनी में। तो मैं सर के बात सुना, मैं सोचा कि अब तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि इस साल अगर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मेरा फ्रेंड था वो ऑलरेडी जा चुका था। ठीक है, मैंने अपने पापा से बात किया तो वो तुरंत मान गए, तुरंत शरद सर से बात करवाया पापा को, पापा एग्री हुए, क्योंकि मैं फर्स्ट बार जो होता है ना घर से बाहर निकला था और ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। इम्पीटस गुरुकुल में ज्वाइन हुए वो पूरा कंप्लीट फैमिली के जैसा ट्रीट हुआ वहाँ, अब बहुत दोस्त हुए, दोस्त सर बहुत सपोर्ट किए, जिस कारण ये अचीवमेंट ले पाया हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं वहाँ गया, जाने के बाद जब भैया छोड़ने गए थे, भैया छोड़ के जब वापस रिटर्न आ रहे थे, मैं फर्स्ट टाइम बाहर गया था, अकेले रह नहीं पा रहा था, मतलब रोने लगा था, रो रहा था, तो भैया समझाए, फिर उसके बाद से फिर जर्नी स्टार्ट हुआ पढ़ाई का, जो कंटिन्यूसली पढ़ते रहे। और इसके बीच मुझे ये अच्छा लगा कि सर का जो क्लास था, ईच एंड एवरी क्लास बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहता था, जिसके कारण खुद अंदर से और मोटिवेशन जागता था कि कुछ नया करना है, मतलब कुछ डेली कुछ ना कुछ करना है, जिसके कारण मैं लगा रहा पढ़ते रहा और ये सक्सेस मतलब अचीवमेंट आया। ये ऑल क्रेडिट गोज टू शरद सर एंड प्रतीक सर एंड ऑल इम्पीटस गुरुकुल टीम, थैंक यू। बिल्कुल सही है राजू, देखो क्या होता है, जैसे आपने एक बात बोली कि आपका ये लाइफ का पहला अचीवमेंट है, इंसान को कहीं ना कहीं कभी ना कभी जैसे ही वो पहली बार अपनी लाइफ में कुछ अचीव करता है, उसके बाद की जो सक्सेस जर्नी होती है ना वो बहुत अलग होती है। मैं बिल्कुल श्योर हूँ, आज आपने ये कॉम्पिटिशन फेस किया, इतने बच्चों के बीच में अपनी रैंक बनाई, एनआईटी अचीव किया, आप देखोगे कि समय के साथ अब आपको बड़े से बड़े कॉम्पिटिशन से भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक हम स्टेप नहीं लेते जब तक हम पीछे होते हैं। अब आप देखोगे प्लेसमेंट के समय या आगे लाइफ में भी कभी भी कोई स्ट्रगल या प्रॉब्लम आएगी तो आप उसे फेस कर लोगे, क्योंकि इस साल आपने लर्निंग लिया है। और दूसरा ये कि आपसे बात करके आपकी खुशी देख के समझ में आ रहा है कि अब आपको कोई
गम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और आपने अपनी लाइफ में जो अचीव किया उससे आप खुश हो। तो राजू एक बात यस बताओ, जैसे आपने पिछले साल जब एग्जाम दिया था तो आपने कोई ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी, तो आपको ये पता है कि एक्चुअली आपकी कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां रही होंगी? सर एक्चुअली हुआ था क्या कि उस पर जब प्रिपरेशन किए थे तो हम जो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते थे, ना कि ट्रिक से। और इस बार ये हुआ कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो होता है ना कम्प्लीटली ट्रिक से सॉल्व करते थे, जैसे कोई वैल्यू ले लिए या सर का ट्रिक जो आप ट्रिक देते थे सब उसी से सॉल्व करते थे, जिसके कारण हुआ क्या कि जो प्रिपरेशन हुआ बहुत कम टाइम बोले तो कि क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक मिल गया, जिसके कारण बहुत जल्दी सॉल्व होता था। और कोई भी क्वेश्चन आता पहला माइंड में यही क्लिक करता था कोई ट्रिक लग रहा है क्या, जिसके ट्रिक से ही सॉल्व करते थे। और प्रीवियस ईयर क्या हुआ 2020 में, एक्चुअली लास्ट में एग्जाम भी हो गया था ग्रेजुएशन का, और प्रॉपर मेथड जो था ना टेक्निक नहीं पता था, जिसके कारण प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते थे, इसीलिए प्रॉब्लम हुआ सर। तो राजू बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। अच्छा राजू, अब अपने जूनियर्स को या जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं और बाई चांस उन्होंने जिस साल इस साल एग्जाम दिया और उनकी बाई चांस रैंक नहीं आई, तो ऐसे सभी बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर मैं यही बोलूंगा कि जैसे सर तो हम क्या बोले, सर तो सब बताते ही हैं एनालिसिस करना जो भी है जूनियर लोग को, जूनियर स्टूडेंट को एनालिसिस सही से करना, और जो होता है ना कंपेयर मतलब जो मार्क्स में हमेशा इंप्रूवमेंट करना, कंपेयर नहीं करना किसी से, और मार्क्स मार्क्स जो होता है अप एंड डाउन होते रहते हैं, ठीक है वो तो सर बताते हैं अप एंड डाउन होते रहता है, उसमें दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये हमको जहां तक लगता है, अगर आप सही से अभी एफर्ट डाल रहे हैं, अगर सही से कर रहे हैं, अगर अभी सही है ठीक है, लास्ट एग्जाम लास्ट मेन जो एग्जाम है 2 घंटा का, वही डिसीजन करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर अभी से जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें स्ट्रेस फ्री होके एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, ना कि ये नहीं सोच रहे हैं कि मार्क्स तो लाना ही है, बट ये अंदर प्रेशर में नहीं, प्रेशर में एग्जाम ना दे रहे हैं। प्रेशर में एग्जाम देने से यही होगा रिजल्ट खराब हो जाएगा, जिस कारण मेन मेन वही लास्ट 2 घंटा जो है वो आपका पूरा डिसीजन करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा या कैसा रैंक आएगा। इसीलिए लास्ट में हम लोग को इम्पीटस गुरुकुल में ये भी सिखाया गया लास्ट में स्ट्रेस फ्री रहने का, ये बहुत बहुत कम जगह देखने को मिला। लास्ट का क्लास जो रहा बहुत इंजॉयमेंट क्लास रहा, ठीक है, उसके बाद बहुत इंजॉय लास्ट में इंजॉयमेंट हुआ, बहुत घूमे उस दिन जो था कॉपी तक नहीं खोले थे, वो तो सब लोगों को पता ही होगा, बट बहुत अच्छा लगा वो लास्ट का क्लास, गाना गाना ये सब बहुत इंजॉयमेंट किए लास्ट का क्लास सर, जिसके कारण स्ट्रेस फ्री रहे और एग्जाम अच्छे से दिए। बिल्कुल सही बात बोली राजू आपने कि अगर हम स्ट्रेस फ्री होके कोई भी काम करेंगे तो उसमें सफलता निश्चित है, और वही आपने भी किया और वही मैं हर बच्चों से बोलूंगा। और ये आप केवल अभी नहीं आगे भी जीवन में ऐसे ही याद रखो और आगे भी ऐसे ही बढ़ो और खुश रहो, और कोई भी डीमोटिवेट या मिसगाइड हो तो उसको जरूर गाइड करो। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।